आप सबका स्वागत है आज के सेशन में, बिकॉज टुडे वी विल अवेकन द डिवाइन फेमिनाइन विदिन अस। हम अपने अंदर की देवी रूप को जगाएंगे, अपने अंदर की इस देवी रूप को समझेंगे, अपने अंदर के इस देवी रूप को जानेंगे। आज के दिन हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो मदर्स हैं उनको नया ड्रेस पहनना चाहिए। When I became a mother, I was told that I have to wear, okay, it is good for the children. तब मेरे को उतना कुछ समझ में नहीं आया था, पर अब मैं पहनती हूँ क्योंकि आज मेरे को समझ में आता है कि जो माँ अपने आप को नहीं देखती है वो दूसरे को, अपने बच्चों को कैसे देखेगी। Unless and until you nurture yourself, how can you nurture others? This is a basic quality of being a mother. तो आज हम लोग explore करेंगे what are the qualities that make us this beautiful divine feminine and what are the qualities that keep us from being this beautiful divine feminine. So I welcome you all again once again. और मैं बोलूंगी कि आपको लगेगा कि शायद ये तो नॉर्मल बातें कर रही हैं, but still I would like you all to be in silence, in a meditative state, because each word of mine also carry an energy which will unlock whatever needs to be unlocked inside you. जो भी आपके अंदर से release होना है, निकलना है, जो भी अंदर आपको realization होनी है, unless you are in a meditative state, unless you are really ready to listen, ये हो नहीं सकता है. So हम लोग, we will be quiet, we will be in a receptive state, and I invoke all the masters, gods and goddesses, your higher self and your team of light to be with you so that you can really anchor the divine feminine within you today. So what happens? Ek bachche ki jab janm hoti hai, it may be a girl, it may be a boy, to kya hota hai? The child comes into the world full of joy, full of laughter, full of happiness, full of confidence, but thode thode din ke baad उसमें बहुत कुछ हम लोग डाल देते हैं. क्या डाल देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत सारे बिलीफ सिस्टम के अंदर पुश कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं. ये बिलीफ सिस्टम हमारी न्यू बन जाती है और ये बिलीफ सिस्टम हमको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सबसे पहला ये बिलीफ सिस्टम होता है कि गर्ल्स एंड बॉयज आर डिफरेंट. नो, गर्ल्स एंड बॉयज आर नॉट डिफरेंट, दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द वन. एवरीवन हैज अ डिवाइन साइड, फेमिनाइन एंड अ डिवाइन मैस्कुलाइन साइड, सब में होती है. जो लड़कियां बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत काम करती है बाहर के अंदर, उनमें डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है. बट दैट डजंट मीन दैट फीमेल डजंट हैव द डिवाइन फेमिनाइन विदिन हर. तो हम लोग ये बचपन से डिमार्केट कर देते हैं कि दिस इज अ फीमेल, दिस इज अ मेल, एंड वी डोंट अलाउ दिस पीपल, दिस चिल्ड्रन हु हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड टू एक्सप्लोर देयर डिवाइन फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी. ये दोनों पार्ट हमारे अंदर होती है, क्योंकि ये दोनों के मिश्रण जब बैलेंस में नहीं होती है तो हम लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द डिवाइन फेमिनाइन एंड द डिवाइन मैस्कुलाइन इन बैलेंस इन आवर लाइव्स. सबसे पहले ये बैलेंस कैसे खत्म होती है? हम जब समझने लगते हैं कि वी आर समथिंग डिफरेंट, वी आर नॉट व्हाट वी आर सपोज टू बी. मतलब हम जब आते हैं, वी आर कम विद अ हैप्पी स्पिरिट, स्पेशली गर्ल्स, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, बस थोड़े दिन के बाद ही उनको बोला जाता है कि नहीं, आप ये बात बोल नहीं सकते, यू आर अ गर्ल, आपको ये काम करना है, आपको ये ऐसे खाना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे ड्रेस पहनना है. तो वी क्या करते हैं, हम उनके अंदर इंजेक्ट करते रहते हैं कि यू आर समवा लोअर, यू आर अ डिग्री लोअर देन द मैस्कुलिन पीपल इन योर लाइफ, देन योर फादर, then your brothers, and later on from then your son. So hum hamesha ek differentiation create karte hain. We tell them that you are somewhat lower than the masculine in your life. Aur ye belief system hamare andar ghar kar jati hai. Aur ye belief system hamare andar ghar kyun kar jati hai? Kyunki humko society force karta hai. When mere ko yaad hai ki I may share some part of my stories, it is not to share my story, but because if I keep on talking to you just like that, you will go into a sleep state. But if I inject my story, it will become a living example for you.
I got married for the first time, I was in a very abusive family, and my in-laws and my husband were very abusive. मैं जब बाहर निकलती थी, अगर देयर वाज अ लिटिल थिंग दैट वाज वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग एंड सपोज आई स्माइल्ड और आई लाफ्ड, आई वाज इमीडिएटली रिब्यूक्ड कि लड़कियां जो अच्छी लड़कियां होती है बाहर निकल के आंखें उठा के नहीं चलती, हंसती नहीं है, बोलती नहीं है. सो सी द वे यू आर मैनिपुलेटेड इन योर लाइफ. इवन माई मदर फ्रॉम चाइल्डहुड शी टोल्ड मी ये काम नहीं करते, ये तुम्हारे भैया लोग के लिए, ये तुम नहीं कर सकती हो. यू कैन नॉट चूज अ करियर ऑफ योर ओन, यू कैन नॉट लीड योर लाइफ एज यू वॉन्ट, यू कैन नॉट वेयर ड्रेसेस एज यू वॉन्ट. ये हमारे अंदर बचपन से इंजेक्ट कर जाती है. तो दिस क्रिएट्स इन अस अ विक्टिमहुड बिकॉज वी नो, वी रियलाइज कि हमको समझ में आता है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है. एवरी वन नोज वॉट पोटेंशियल दे हैव एंड दैट इज वॉट दैट द ड्रीम्स दे हैव इन चाइल्डहुड रिलेट टू. हम देखेंगे कि बचपन में हमारे अंदर बहुत सारी ड्रीम्स होती हैं, हम कितना डे ड्रीम करते हैं, कितना कुछ सोचते हैं, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. एंड आप सोचेंगे कि विद टाइम वी बिकम प्रैक्टिकल एंड वी लेट गो ऑफ दिस ड्रीम्स, बट ऐसा नहीं है. हम वो ड्रीम्स क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमको सोसाइटी सिखाती है कि वी आर नॉट एलिजिबल टू लीड दोस ड्रीम्स. बट वो ड्रीम्स हमारे अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने पोटेंशियल को सोल लेवल पे पहचानते हैं, हमको मालूम है कि वी कैन डू दिस. मेरे को बचपन से लगता था आई कैन स्पीक टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट आई वाज नॉट अलाउड टू स्पीक टू वन पीपल. इवन मेरे वॉइस को दबा के सप्रेस करके इतना सप्रेशन किया गया था कि आई हैड डेवलप ट्यूमर्स ऑल ओवर माय थ्रोट. सो दिस इज हाउ सोसाइटी ट्रीट्स यू, बट योर ड्रीम इज योर ड्रीम विच योर सोल नोज. तो हम अपने इस ड्रीम्स को, अपने इस जो भावनाओं को हमारे अंदर हमारे साथ लेके आते हैं, जो हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल है टू क्रिएट दोस थिंग्स, हम नहीं करते हैं. क्योंकि सोसाइटी हैज इनग्रेन्ड इन अस दिस बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम के साथ साथ हमारे में एक पावरलेसनेस डाल दिया है कि यू आर अ फीमेल. आई एम टॉकिंग टू दोस मेल्स ऑल्सो हु आर देयर. आज जो मेल्स भी हमारे साथ हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ कि somewhere when you down put down the females, you are putting down the feminine side of you. आपके अंदर जो femininity है उसको भी आप down कर रहे हो. आप अपने आप को feel करना बंद कर रहे हो, अपने आप को sensitivity बंद कर रहे हो, अपने आप में वो सारी sweet beautiful qualities को बंद कर रहे हो जो एक divine feminine में होती है. तो as we grow up with this powerlessness, this victimhood, this feeling that we are not good enough, that we are not equal enough to our feminine masculine part, तब क्या होता है? We forget that we are a divine feminine. हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो हर क्वालिटी है जो माँ दुर्गा में है, जो माँ लक्ष्मी में है, जो माँ सरस्वती में है, जो जो हर डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस जो जिनको हम मानते हैं उनके अंदर है. हम भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सोसाइटी ने हमको इस तरह से बड़ा किया है. सोसाइटी ने हमको ये खाया है कि we cannot be divine goddesses, we are just someone who is here to serve. Maximum cases में you are supposed to serve your parents, you are supposed to serve your married family and you are supposed to serve your children. आप उससे ज्यादा कुछ सोचने लगते हो तो लोग आपको टोकने लगते हैं. इन्होंने भी किया है something out of ordinary in their life. They know how much ridicule they face from their relatives, from their family. जब भी आप ऐसा सोचने लगते हो कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो किसी फीमेल ने नहीं किया, दे विल टेल यू. मेरे को कल ही मैंने बोला एक जन को कि आई एम 50 एंड आई हैव 10 इयर्स सर्विस लेफ्ट, बट आई डोंट वांट टू बिकॉज आई वांट टू गो इनटू माय स्पिरिचुअल पाथ. क्या बोला उन्होंने मालूम? अरे अभी कैसे, अभी बच्चे की शादी देना है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बड़ा करना है, तुम कैसे सब छोड़ के जा सकती हो? तो सी द वे पीपल try to put you down, try to put you in a box. ये box क्या है? जो box society ने बनाई है. क्यों बनाई है? Because somehow society understands, somehow society knows that अगर हर feminine में वो divine feminine energy, वो देवी रूप जाग जाती है तो it will be very difficult for them to subjugate them. But this is the time after 10,000 years. मेरे को ये बात सबसे पहले डॉक्टर न्यूटन ने बोला था in 2008 that from 2020 the rise of the divine feminine is going to be beautiful. So he was the first one who told me about this.
उसके बाद मैंने देखा यस स्लोली द डिवाइन फेमिनाइन द लेडीज आर कमिंग इनटू देयर रियलिटी, दे आर कमिंग इनटू देयर ट्रू पावर्स, देयर ट्रू मीनिंग, देयर ट्रू एसेंस. ये कैसे आ रहे हैं? बिकॉज वी आर रियलाइजिंग दैट जो बचपन से हमको बोला गया था दैट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, यू आर नॉट सपोज टू से दिस, यू आर नॉट सपोज टू एग्जीक्यूट दिस इन योर लाइफ इज अ लाइफ. We are powerful. We are very powerful, my dear friends. हम लोग में इतनी power है कि we can create and destroy both. We are the creators because we are the ones who give birth. We are the ones who have the most sensitive nature in us. तो हम कैसे weak हो सकते हैं? तो if today you have come here and you want to really explore the divine feminine in you, अगर आप अपने देवी रूप को जगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ चीज. सबसे पहले आपको ये बिलीफ सिस्टम छोड़ना है कि समवेयर यू आर अ लिटिल वीकर. कल मैं जब बैठी थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, दे वर वेरी पावरफुल लेडीज, वेरी पावरफुल लाइट वर्कर्स, बट मैंने देखा कि उन लोग दोनों के अंदर बहुत फीलिंग ऑफ सब्जुगेशन है, दैट दे आर नॉट समहाउ इक्वल टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स. तो बैठ के मैंने ये निकाला, तब मेरे को लगा कि इफ दीज टू पावरफुल लेडीज हु आर ऑलमोस्ट रूलिंग द वर्ल्ड, इफ दे कैन हैव दिस क्वालिटीज, तो मेरे सब भाई बहनों में ये क्वालिटीज है. कहा जो कि ये क्वालिटी कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ टू बी अ गॉडेस. मेरा जो नाम है ना सतरूपा, इट्स अ नेम ऑफ गॉडेस दुर्गा. तो बचपन में मैं सोचती थी कि बाप रे मेरे को इतना बड़ा नाम दे दिया, बट नाउ आई रियलाइज दैट आई कैन गॉडेस दुर्गा, आई हैव ऑल द क्वालिटीज दैट शी हैज, एंड आई कैन व्हाटएवर आई डोंट हैव आई कैन रीएक्सप्लोर एंड रिक्रिएट इन माय सेल्फ. सो दिस इज व्हाट एवरीवन ऑफ यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि आप सब देवी हो, आप सब में वो सब क्वालिटीज है जो कि एक देवी में होती है. बट आप क्या करते हो, आप सोसाइटी के प्रेशर से, आपके ये जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के जो लाइफ टाइम हमने लीड किया है in this world, it may be in earth, it may be in other parts of the world, other parts of the universe, we have led lives where we were subjugated as females, we were put down as females. Aur ye jo belief system hamare andar ghar kar gayi hai, isme humne kya sikha hai ki we are lower, we are not of equal status. To sabse pehle is baat ko apne andar se nikal ke fekna hai ki we cannot be this lower status. अगर शिव अर्धनारीश्वर बोलते हैं शिवा को, इफ शिवा कैन शो अस दैट वी आर बोथ इक्वल पार्ट ऑफ द डिवाइन, देन हाउ कैन वी नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर इक्वल. हमको ये समझना है कि वी आर इक्वल, वी आर कंप्लीट इन आवरसेल्फ्स एज अ डिवाइन फेमिनाइन, एंड वी आर नॉट समवन हु इज लो, हु इज नॉट गुड इनफ. वी हैव टू रिलीज दिस विक्टिमहुड कि मेरे अंदर कुछ पावर ही नहीं है, आई एम टोटली in control of fate, in totally in control of people around me. हमको यही लगता है ना कि fate is controlling me because I was born a female. मेरे को बचपन से बोला गया कि I'm a female, मेरे को शादी करवा दी गई है. I am now under the control of my husband, or if I am old, I am under the control of my son. हमको ये लगता है. We are not in control. It we are in control because we allow them to control. Because we believe that we are victims. हम तहे दिल से विश्वास करते हैं कि we are not strong enough. Just because we believe it, हम उनको allow करते हैं to subjugate us. We allow them to keep us in our place, as we say it. तो जिस दिन हम मान लेंगे कि हम victims नहीं हैं, we are the creators and we can create a beautiful life for ourselves, उस दिन हम समझ जाएंगे कि we are the goddesses. So, what do we release? We release the belief systems that we have imbibed in us from the society. Society ne jitne bhi belief systems hamare andar dali hai ki we are weaker, we are lesser, usko nikalna hai. Humko apne andar se ye feelings of victimhood nikali hai ki we are a victim. We are a passive thing who has no say in their life. Hamare upar kuch bhi ho sakta hai, hum kuch nahi kar sakte, hamare mein koi power hi nahi hai. ये जो हमारे अंदर फीलिंग्स ऑफ लोलेस है, होपलेसनेस है, पावरलेसनेस है, पेन है, इसको सबसे पहले छोड़ना है. अगर हम ये सब चीज को नहीं छोड़ते हैं तब हम अपने डिवाइन पावर को कैसे समझेंगे? जैसे मैंने और एक दिन आपको एक्सप्लेन किया था,
कि माय टीचर आत्मन शी ब्यूटिफुली टुक मी थ्रू अ बेटर प्ले. उन्होंने मेरे को दिखाया कि बचपन से क्यों मेरे को इतना अब्यूज किया गया. व्हाई डिड माय मदर अब्यूज मी, व्हाई डिड माय ब्रदर्स अब्यूज मी, व्हाई डिड माय हस्बैंड अब्यूज मी, व्हाई डिड माय मदर इन लॉ अब्यूज मी? बिकॉज समवेयर दे अंडरस्टूड आई एम मच मोर पावरफुल देन दे आर. जब आपके पास कोई क्लोज रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा डोमिनेशन मिलता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट पर्सन मे नॉट टेल यू ऑन योर फेस, बट दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन यू शो, यू वेरी मच पावरफुल देन यू शो, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज व्हिच मेक यू बेटर देन दैट पर्सन. अगर किसी को आप मतलब अच्छे नहीं लगे अंदर, इफ तहे दिल से उनको समझ में नहीं आता है कि आप उनसे कहीं किसी पार्ट में अच्छे हो, बड़े हो, तब कैसे वो आपको जाके सब्जुगेट करेंगे? हाउ कैन दे डू इट? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको समझ में आती है कि समवेयर यू आर ग्रेटर देन देम, समवेयर यू आर मतलब मोर इम्पोर्टेंट, मोर पावरफुल, मोर टैलेंटेड. तो जब आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि आपके ऑपोजिट में जो आपसे ज्यादा अच्छा है, तो आपको क्या लगेगा? तब आपको फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी होगी, और जब आपको फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी होगी तो इस इंफीरियरिटी को ढकने के लिए आप डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे. यू विल स्टार्ट ट्राइंग टू कंट्रोल द अदर पर्सन, यू विल स्टार्ट टू सब्जुगेट द अदर पर्सन. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको ये डोमिनेशन क्यों मिलती है. क्योंकि यू आर पावरफुल, क्योंकि यू आर ब्यूटिफुल, क्योंकि यू आर हैविंग ऑल द ब्यूटिफुल क्वालिटीज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन. तो जिस मोमेंट आप ये बात समझ जाओगे, उसी मोमेंट आपको रियलाइजेशन आ जाएगी कि इट इज नॉट दैट बिकॉज यू आर वीक दैट यू आर डोमिनेटेड, इट इज यू आर डोमिनेटेड बिकॉज यू आर पावरफुल. और जैसे ही आप इस बात को समझ लेंगे, जैसे ही आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यू आर पावरफुल, देन द पावरफुल एस्पेक्ट विद इन यू विल स्टार्ट टू ओपन अप. सबसे ज्यादा पावरफुल एस्पेक्ट क्या है? दैट वी ऑल आर डिफरेंट. Everyone has different qualities. Everyone has different talents. Everyone has different capacities. जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देंगे, उस दिन हम अपने आप को पावरफुल बना देंगे. हम क्या करते हैं, हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को किसी या किसी से कंपेयर करते हैं. वो अपनी माँ हो, बहन हो, भाभी हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी की कोई फेमस लेडी हो, किसी से भी हम कंपेयर करते रहते हैं. जैसे ही अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, क्या होता है, कहीं पे हम अपने आप को डाउन करते हैं, डाउन करते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि आप लोअर हो, लोअर देन दैट पर्सन. तो इफ यू योरसेल्फ लोअर योरसेल्फ, दूसरे कैसे आपको रिस्पेक्ट देंगे? सबसे पहले यू हैव टू लव योरसेल्फ, नर्चर योरसेल्फ. क्योंकि आज के दिन जो मैंने बोला ना, हमारे यहाँ षष्ठी के दिन mothers have to wear a new dress, they have to beautify yourself. See, I've also worn a new dress because I have so many children. I have to do it because first of all, you have to nurture yourself. Wearing a new dress is a kind of nurturing yourself. Trying to beautify yourself is nurturing yourself. Understanding that you are powerful is nurturing yourself. Understanding that you don't have to compare yourself with others is nurturing yourself. आप जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते हो, जब आप अपने आप को समझ लेते हो कि I am beautiful, I am powerful, I am strong, I am talented in my own way. सबकी talents अलग होती है, सबकी power अलग होती है. जैसे ही हम ये बात समझ जाते हैं, तहे दिल से समझ जाते हैं, that very day we embrace the divine feminine. We don't compare ourselves, we don't subjugate ourselves, we don't demean ourselves. अपने आप को कितना कोसते हैं दिन में, देखिए हम अपने आप को कितना छोटा बोलते हैं, उसका नाक कितना अच्छा है, उसका बाल कितना अच्छा है, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. द मोमेंट यू से दैट शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आई एम नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर समवेयर हार्मिंग योरसेल्फ. डोंट यू अंडरस्टैंड? यू कैन यस अप्रिशिएट ब्यूटी, बट अप्रिशिएट ब्यूटी जस्ट फॉर अप्रिशिएटिंग ब्यूटी, नॉट टू डिमीन योरसेल्फ. अपने आप को छोटा करने के लिए किसी और को अप्रिशिएट मत कीजिए. अप्रिशिएट कीजिए क्योंकि दैट पर्सन इज अ ब्लूमिंग example of beauty, of love, of talent. खुश हो जाइए कि उसमें इतना कुछ है. बट उसके इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कंपेयर करके छोटा करें. जैसे ही आप अपने आप को कंपेयर करके छोटा करते हो,
आप अपने आप के जो फर्स्ट क्वालिटी है लविंग योर सेल्फ, उससे बाहर चले जाते हो। तो इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, हाउ कैन यू बी अ गॉडेस? आप जो गॉडेसेस को देखते हो, मानते हो, आपको लगता है कोई भी है जो अपने आप से प्यार नहीं करता है? दे डोंट ऑनर देमसेल्व्स, दे डोंट लव देमसेल्व्स, दे डोंट रियलाइज देयर डिविनिटी, देयर पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ, अपने आप को समझिए, अपने आप को चाहिए, अपने आप को रेस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को ऑनर कीजिए, अपने आप को जो चीज में खुशी मिलती है वो चीज कीजिए। फिर क्या कीजिए, आप इतना समझिए कि जो लोग आपके लाइफ में हैं, ऑल आर नॉट इक्वल। किसी किसी की सोल ग्रोथ अभी हुई ही नहीं है, दे आर वेरी बेबी सोल्स, इन्फेंट सोल्स, जो अभी अभी एनिमल किंगडम से आए हैं। तो उनसे आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं सेंसिटिविटी, क्वालिटीज, ग्रोथ, उनसे अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको समझे, आपको नर्चर करे, आपको प्यार करे, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम माय डियर वन। आपको सबसे पहले समझना है कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं, दे आर नॉट ऑफ द सेम सोल लेवल, एक एक अलग लेवल के हैं। एंड ओनली पीपल हु आर ऑफ द सेम सोल लेवल और हायर देन यू कैन रियली अंडरस्टैंड। जब ये आप बात ये बात समझ लेते हैं कि जो आपसे कुछ ऊंचे हैं, आपसे कुछ अच्छे हैं, वही आपकी अच्छाई को समझ सकते हैं, जो आपसे सोल ग्रोथ में नीचे हैं वो आपको समझ नहीं सकते हैं, वो आपको खाली टोकेंगे या कुछ बुरा भला कहेंगे, क्योंकि उनको इन्फीरियर होती है आपको देख के। जब ये बात आप समझ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ में एक्सेप्टेंस आ जाता है। एंड इट्स अ डिवाइन क्वालिटी ऑफ अ फेमिनाइन, एक्सेप्टिंग अदर्स टोटली एंड कम्प्लीटली। माँ क्या होती है, माँ क्रिटिसाइज नहीं करती है अपने बच्चे को, माँ अपने आप को माँ समझती है और सबको अपना बच्चा जब समझती है, सो शी एक्सेप्ट एवरी पर्सन एज दे आर। कोई अगर बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का है, कोई अगर हमेशा ही कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलता रहता है, तो अंडरस्टैंड दैट दैट इज देयर सोल लेवल एंड एक्सेप्ट दैट पर्सन कम्प्लीटली एंड टोटली। इफ यू आर रियली अ डिवाइन फेमिनाइन, आप अगर सच में देवी रूप हो, तो आपको सबको एक्सेप्ट करना है जैसा भी है। डोंट टेल मी दैट दैट पर्सन डजंट हैव दिस थिंग, दैट दैट पर्सन इज इनटॉलरेबल, नहीं। व्हेन यू आर रियली इन योर पावर, आप अगर सच में अपने देवी रूप को समझते हो, तब ये भी समझते हो कि देवी माँ सबको एक्सेप्ट करती है एज दे आर, बिकॉज शी डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। शी नोज शी हैज जस्ट टू डू हर ड्यूटी। एक माँ को क्या करना है, अपनी ड्यूटीज करनी है जस्ट। उनको ये नहीं सोचना है कि वो आपको क्या दे, आपके बच्चे आपको क्या दे, जो आपके चारों तरफ जो है आपको क्या दे, आप इसके लिए वेट नहीं करते, बिकॉज यू डोंट नीड इट। You are a complete package in yourself. You can tolerate others. You can accept others. You can let go of all the situations which are tormenting you. जो भी कुछ हुआ आपके life में, जिसने आपको guilt से भर दिया है, pain से भर दिया है, regret से भर दिया है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे resentment से भर दिया है, तो क्या करना होता है? You just let go. क्योंकि ये जो सब चीजें हुई थी आपके साथ, वो कब हुई थी? जब आप नहीं समझे थे कि आपके अंदर एक देवी है। यू आर अ डिवाइन फेमिनिन पावरफुल लेडी या मैन। इफ देयर आर मैन, आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड द फेमिनिन साइड ऑफ यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड आस्क यू दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू आल्सो हैव ऑल दिस क्वालिटीज इन यू। सो जैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के रूप में, आपको समझ में आती है कि आपके साथ वो चीजें हुई जहाँ पे आपको रिजेंटमेंट है, एंगर है, गिल्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, पेन है, वो सब क्यों हुई? बिकॉज उस टाइम उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आप इस देवी रूप में नहीं थे, यू बिलीव यू वर लोअर इन सम वे। इसीलिए वॉट एवर पीपल डू टू यू गेव यू पेन, because you did not understand that they are not of the same level and they cannot understand you and nurture you like you want them to do. aapko ye baat samajh mein nahi aati thi tab, to unhone jo bhi kiya aapko dukh laga, kyunki I was supposed to get a lot of love and nurturing from my husband. kya kami thi mere, main to puch sakti hu, aaj bhi puch sakti hu, kyun nahi mila mere ko? aur mere ko ab samajh mein aata hai ki they are baby souls, wo mere ko kya nurture karenge? एक देवी को नर्चर करने की कैपेसिटी उनमें तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक असुर की तरह जानते हैं कि देवी को कैसे भड़काया जाता है,
कैसे क्यों भड़काते हैं ये असुर हमारे जीवन में क्यों आते हैं, जो असुरी रूप से हमारे पास आते हैं, जो हमको टॉर्चर करते हैं, ट्रॉमा देते हैं, ये हमारी देवी रूप को जगाने के लिए आते हैं। दे आर आवर ग्रेटेस्ट टीचर्स, आवर बेस्ट फ्रेंड्स माय डियर फ्रेंड्स। आज ये मेरे को समझ में आती है कि अगर मेरी माँ ने मेरे को मारा नहीं होता, मेरे को सब्जीक्यूट नहीं किया होता, तो मेरे में वो टॉलरेंस नहीं आती जो एक माँ में होती है। मेरे में इतनी पेशेंस थी एज अ मदर दैट माय चिल्ड्रन समटाइम्स टेल मी, माँ आपको डांटते ही नहीं, आज हमारा एग्जाम है आज तो डांटो, पर मैं नहीं डांटती हूँ बिकॉज मेरे को वो काम नहीं करना है जो मेरी माँ ने किया था। सो यू अंडरस्टैंड हाउ दीज टॉर्चर्स आर एक्चुअली बिल्डिंग यू, making you grow into the real Devi that you are, the real divine feminine that you are. So all the tortures that came into your life, all the pain that came into your life, understand them, that they were triggers to bring out the higher part of you, the part that you do not understand, the part that you do not nurture, the part that you do not acknowledge. Us part ko kholne ke liye ye sab kuch hamare life mein. अगर ये सब ट्रिगर्स हमारे लाइफ में नहीं होती तो हम सोचते ही नहीं, हम आते स्पिरिचुअलिटी में। आधे लोग स्पिरिचुअलिटी में इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने अपने लाइफ के पेन को संभाल नहीं पाते, इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी पीस मिल जाएगी, थोड़ी शांति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू टू एक्नॉलेज योरसेल्फ, एक्नॉलेज द पावर इनसाइड यू, एक्नॉलेज द क्रिएटर इनसाइड यू। जैसे ही आप ये सब एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर देते हो, इट इज सो इजी टू लेट गो ऑफ द पास्ट, सो इजी टू लेट गो ऑफ द पेन, क्योंकि आपको समझ में आती है कि ये लोग उस काबिल है ही नहीं कि इनके लिए आप पेन कैरी करो, है ना। आप सच्चे दिल से सोच के बोलिए कि है, आर दे एलिजिबल टू गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू, उनके लिए आप अपना आंसू बहाए, उनके लिए आप अपना हार्ट ब्लॉक करें, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करें, डू दे डिजर्व इट? नो, इफ यू आर अ ट्रूली डिवाइन फेमिनाइन, यू विल एक्सेप्ट देम, यू विल टॉलरेट देम, यू विल लेट गो ऑफ ऑल द पेन दैट दे हैव गिवन टू यू, बिकॉज अनलेस यू लेट गो ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक इन योर पावर। आप अपने देवी रूप में तभी चल सकते हैं जब ये सब आप पीछे छोड़ सकते हैं। आपको अपने देवी रूप में चलने के लिए क्या है, सबसे पहले अपने आप को चाहना है, अपने आप को ऑनर करना है, समझना है कि आई हैव ऑल द क्वालिटीज दैट अ गॉडेस हैज। विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात बोली थी, एंड आई लव दैट, दैट व्हाई डज गॉड लव एवरीवन, ही डजंट डिफरेंशिएट, बिकॉज ही सीज द डायमंड विद इन अस। क्यों, जो डायमंड के ऊपर इतनी सारी डार्कनेस की लेयर पड़ गई है, उस डायमंड को ऊपर वाले को दिखता है, इसलिए वो हम लोग सबको समान रूप से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे अंदर की वो डायमंड अभी भी वैसी है जैसे उन्होंने हमको दिया था। हमने क्या किया, हमने अपने आप को चारकोल समझ लिया, हमने अपने आप को कोयला समझ लिया, हमने अपने ऊपर वो काले काले चादर ओढ़ लिए। अब वो टाइम आ गया है माय डियर फ्रेंड्स टू रिमूव ऑल दोस ब्लैंकेट्स ऑफ डार्क, ऑफ पेन, ऑफ डिप्रेशन, ऑफ सब्जुगेशन, of all the negativity of torture, abuse, everyone who has tortured you, abused you, has let you understand your true power. Jis din aap ye baat samajh jayenge, us din aap samajh jayenge how powerful you are. The day you understand that you can hold the whole world in your hands, that day will understand how powerful you are. So this is a very powerful day, Navratri ki din hai. Hum log, we will invoke the Divine Feminine today in our meditation. And we'll let go of everything that is holding us back from being the true Divine Feminine. Humne aaj tak jo bhi kiya hai, jo bhi samjha hai, bahut baar bahut galat samjha hai, kyunki society ne humko waisa hi samjha hai. Mere ko bhi wo samajh mein nahi aati thi. Jab log bolte the na, hum log posts mein padhte hain, Facebook mein, Awaken the divine goddess in you. Main sochti thi kaise, we are not goddesses, we are humans, we are having human emotions, human things. But jab maine introspect kiya tab mere ko samajh mein aaya ki no, they are right. We all have all the goddess qualities in us. What is a goddess quality?
गॉडेस में क्या क्वालिटी होती है? सबसे पहले शी इज वेरी पावरफुल, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। अगर माँ दुर्गा माँ काली में वो पावर नहीं होती कि वो अपने आप को इतना स्ट्रांग समझे, तो वो उतने असुरों को कैसे मार सकती थी? इट इज ऑल्सो द पावर टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट बी पुट डाउन। आपको कोई इंसल्ट कर सके, यू कैन नॉट अलाउ दैट। कोई गॉडेस के अलाउ करती है कोई आके उनको इंसल्ट करे? नो, यू कैन टेल दैट पर्सन कि आप ऐसा मत करो, आप इस तरह से इस काम को करो, आप इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकते। यू हैव टू ड्रॉ योर बाउंड्रीज, पीपल कैन नॉट एंटर इन टू योर बाउंड्रीज एंड इंसल्ट यू। वेन यू आर अ गॉडेस, यू आर अ गॉडेस। और सबसे पहले, ये सब करने से पहले, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर द डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस, यू विल हैव टू हैव अ लॉट ऑफ प्योरिटी इनसाइड यू। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप धोखा नहीं दे सकते, आप दूसरों को कुछ मैनिपुलेटिव बातें नहीं बोल सकते, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते दूसरों की जहां से उनको अधर्म के पथ पर चलना पड़े। अगर आप धर्म के पथ पर नहीं चल रहे हैं, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, इफ यू आर नॉट ऑथेंटिक, यू डोंट नॉट हैव ऑल द प्योर क्वालिटीज ऑफ प्योरिटी, देन यू कैन नॉट बी अ डिवाइन गॉडेस फेमिनिन। You have to be pure. You cannot tell lies. You cannot manipulate. You cannot twist things. अपनी बातों को इस तरह से present मत कीजिए कि दूसरों को कुछ अलग ही एक समझ में आए। हम लोग जो gossip करते हैं, जो females की सबसे ज्यादा मतलब बड़ी एक quality होती है, that is the most demeaning quality you can have. Gossiping others, belittling others, तभी हो सकता है जब आपके अंदर कहीं पे आप अपने आप से गॉसिप करते हो, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, अपने आप को डाउन करते हो। वो जो क्वालिटीज आप बाहर प्रेजेंट करते हो, आप खुद के साथ वही चीज करते हो। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। अगर आप सास बन के किसी बहू पे चिल्ला रहे हो, समवेयर यू आर सब्जुगेटिंग द डिवाइन फेमिनाइन इन यू। मैंने जो देखा है इन वुमेन्स डे में, मेरे को जब बोलने बोला जाता था, आई यूज्ड टू से वन थिंग ओनली, that the women have to realize their power, because it is the women who subjugate the women. Maine apni zindagi mein dekha hai ki men do it, but itna zyada bhi nahi. All the temptations, all the disruptions actually come from the women. Aapki maa, aapki saas, aapki behan, aapki nanad, these are the, and the society ladies of course, aapke society ke friends, aapke kitty party ke friends, wo sabse zyada hote hain jo aapke upar छुड़ा भोगते हैं। तो दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द वुमेन आर द वुमेन हु आर पुलिंग द वुमेन डाउन, एंड इफ यू आर अ ट्रू फेमिनाइन गॉडेस, स्टॉप दैट थिंग। बिकॉज आपके यहाँ पे बहुत लोग बैठे हो, आई नो यू डिस्टर्ब योर डॉटर इन लॉज, आई नो यू डिस्टर्ब योर मदर इन लॉज, क्योंकि बहुत जगह पे वैसा भी होता है कि मदर इन लॉ इज वेरी गुड, द डॉटर इन लॉ इज डिस्टर्बिंग इट। आप वो हो जो बेटी हो कि अपनी माँ को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, कुछ देना चाहिए। द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई गॉट अ जॉब वाज टू गिव पॉकेट मनी टू माय मदर टू ऑनर हर एज अ फेमिनाइन, जो मेरे को मिला नहीं, जो मेरी माँ को मिला नहीं। ऑनर द डिवाइन फेमिनाइन ऑल अराउंड यू, देन ओनली कैन यू बी अ डिवाइन फेमिनाइन। अंडरस्टैंड दैट मैन फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़ा हार्शली यहाँ पे बोल रही हूँ, बिकॉज आई कैन फील द एनर्जीज ऑफ सम पीपल हु ट्राई टू मेक देमसेल्फ सीम that they are very spiritual, but no, they are putting other females down, they are making other females feel that they are lower, they are making other, aap apni mate ko agar 10 baar daatte ho, wo ka ek subjugation of the divine feminine nahi hua? Since she has come in this form of a maid in your house, doesn't she have the qualities of the divine feminine? Tell me, are you really living your life as a divine feminine? खाली अपने आप को नहीं, अपने चारों तरफ की डिविनिटी को नर्चर कीजिए, सब डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन को नर्चर कीजिए। दैट इज योर ड्यूटी एज अ डिवाइन गॉडेस। एंड बिफोर वी स्टार्ट द मेडिटेशन, एज ऑलवेज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो इनटू हार्ट सेंटर, योर हार्ट स्पेस, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ब्रीदिंग डीपली। दिस विल बी अ पावरफुल मेडिटेशन बिकॉज आई हैव इनवोक्ड ऑल द गॉडेसेस
माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती के सारे रूपों को बुलाया मैंने, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, मदर आइसिस, मदर मारी मैगडलिन, मदर मेरी, मदर गोल्डन तारा हु होल्ड्स ऑल द एनर्जीज ऑफ 10 गॉडेसेस. आई इनवाइटेड ऑल द डिवाइन मैन फेमिनाइन इन एवरी फॉर्म टू बी विद अस टुडे. सो प्लीज क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ब्रीदिंग डीपली एंड अलाउ योर सेल्फ टू गो टू अ डीप मेडिटेटिव स्टेट. प्लीज माई डियर फ्रेंड्स, सेटल डाउन. अपने आप को शांत एक जगह पे बैठा दीजिए. कुछ भी नहीं करना है आपको, कहीं भी नहीं जाना है. जस्ट क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ब्रीदिंग डीपली, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. जितना जितना आप ब्रीद इन करते हो, उतना आप अपने अंदर डिवाइन पावर्स को लेते हो, ये जीवन शक्ति को लेते हो जो ऊपर से आ रही है, जो हमारे सोर्स एनर्जी से आ रही है. और जैसे जैसे आप ब्रीद आउट करते हो, आप अपने अंदर से उस हर ब्लॉक को छोड़ रहे हो, वो हर एनर्जी को छोड़ रहे हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको समहाउ इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू विद द गुडनेस और द ग्रेटनेस दैट यू डिजर्व. ब्रीद इन डीपली एंड ब्रीद आउट डीपली. Let the energies of the source flood you. See a beautiful golden white light flowing inside you with every breath, flowing inside your cells, your bones, your blood, your organs, your tissues, your DNAs, your RNAs. Apne andar feel kijiye wo har energy ko jo divine mother se aa rahi hai aaj. माँ पार्वती से आ रही है. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. यू हैव नोवेयर टू गो, नथिंग टू डू, जस्ट टू बी विद योरसेल्फ. आपको कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है. ये 20 मिनट ये आप अपने लिए रखो. प्लीज गिव दिस 20 मिनट्स टू योरसेल्फ अनकंडीशनली. कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है कि आपको उसके बारे में अभी सोचना है. अपने थॉट्स पर नियंत्रण रखिए, अपने थॉट्स को छोड़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, आपके थॉट्स आप से ही चले जाते हैं. सो कीप इन ब्रीदिंग डीपली एंड ब्रीद आउट डीपली, बिकॉज आई रियली वांट यू टू गो डीप टुडे सो दैट वी कैन रिलीज एवरीथिंग व्हिच इज नॉट सर्विंग अस एंड नॉट अलाउिंग अस टू बी द डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस दैट वी आर. सो माय डियर फ्रेंड्स, कीप ऑन ब्रीदिंग डीपली एंड कीप ऑन ब्रीदिंग आउट डीपली. Releasing all that is not serving you, all that is creating a block in your path to success, to prosperity, to happiness, to everything that is holding you back from taking your real power. We release, we release, we release. Give the intention of release. Keep on breathing deeply and keep on breathing out deeply. Aaj hamari upar se From the source, beautiful golden light is coming down. और उसके साथ आ रही है a beautiful mixture of green and pink light. It's a beautiful combination, green, pink and golden. ये तीनों light हमारे ऊपर से आ रही है. It is entering us through our crown chakra. जो इनको मालूम नहीं है, crown chakra is the head part of our body. वहां से is entering our body and is entering every chakras. While it comes down, all our higher chakras, सबको cleanse करते हुए ये light आ रही है from the divine source, the golden light of the divine source and the divine feminine energies of pink and green, entering it and making it the beautiful combination of pillar of light. It's coming down through our head, relaxing our crown chakra, opening up our crown chakra so that we can receive more and more today, opening up our third eye chakra, cleansing our ear chakras, back of the head. Hamare sare chakras ko dimag ke upar se, sar ke upar se, ab mere kaano se, aankh se, naak se, muh se, sabko cleanse karte hue ye light niche aati hai. It is cleansing your jawline, relaxing your jawline. Let this light flow down to your shoulders, to your hands, to your arms, to your fingers,
अपने आप को फील कीजिए रिलैक्स होते हुए, ये लाइट आपकी बॉडी के हर पार्ट में फ्लो कर रही है, आपके जॉ लाइन से नीचे आपके थ्रोट चक्रा पे, आपके बैक ऑफ द नेक पे, आपके शोल्डर्स में, आपके बैक में, आपके चेस्ट में ये लाइट फ्लो कर रही है और आपके हर चक्रा को, आपके 252 चक्रास को क्लेंस कर रही है, आपके 7 मेजर चक्रास को क्लेंस कर रही है. इट इज रिलैक्सिंग यू, रिजुविनेटिंग यू एंड रिलीजिंग फ्रॉम यू ऑल दैट यू डू नॉट नीड. ये लाइट आपके गले के थ्रोट चक्रा को क्लेंस करते हुए आपके हार्ट चक्रा पे पहुंचती है, जहाँ पे आपने बहुत कुछ जमा करके रखा. Just give the intention that I release. बहुत सारा पेन है जो ऊपर आ गया है, पास्ट लाइफ्स के भी हैं, इस लाइफ्स के भी हैं, उनको छोड़िए. Just give the intention. Release all this pain, this trauma, this unforgiveness, this resentment, this guilt from inside me. छोड़ दीजिए सबको. We do not need it. We are becoming divine feminine goddesses. We do not need this. छोड़िए उनको. अपने हार्ट चक्र से बाहर निकलते हुए देखिए. See this beautiful combination of three colors cleansing your heart chakra, back of your heart. और वहां से आपके solar plexus में, आपके stomach area में down जाते हुए देखिए light को, आपको relax करते हुए, आपके body से हर उस ऊर्जा को निकालते हुए जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नीचे जाता है आपके stomach area में, आपके sacral chakra में. वहां से आपके जो भी pain है of motherhood, of abuse, of torture, of domination, उसको निकालती है. It's healing your womb, it is healing the divine feminine within you. Just allow yourself to release all that is not serving you. It is very important before we start the main meditation that you really relax and release all that is not for your highest good. Let this light flow down to your root chakra. आपके root chakra को cleanse करते हुए ये आपके हिप्स में जाती है. आपके हिप्स से आपके कार्मिक बैगेज को, कार्मिक एनर्जीज को निकालती है, वो नीचे जाती है आपके थाइस में. आपके थाइस से आपके नीज में जाती है, जहाँ पे आपने बहुत रिजिडिटी होल्ड करके रखी है. उस रिजिडिटी को जाने दीजिए, आपके नी पेन भी चला जाएगा. फ्लेक्सिबल होइए. बी ओपन टू चेंज माय डियर वंस. बी ओपन टू चेंज. जितना आप परिवर्तन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, उतना आपकी ग्रोथ होगा, उतना आप आगे बढ़ेंगे. सो लेट गो ऑफ ऑल द रिजिडिटी फ्रॉम योर नी चक्रास एंड अलाउ द लाइट टू फ्लो थ्रू योर काफ मसल्स डाउन टू द एंकल्स टू द सोल्स ऑफ योर फीट. आपके सोल्स ऑफ द फीट से इस लाइट को नीचे जाते हुए देखिए अर्थ स्टार्ट चक्रा तक. वहां से ये मदर अर्थ और गैलेक्टिक हार्ट सेंटर में जाके एंकर करती है, विच आर द मदर्स ऑफ दिस गैलेक्सी एंड आर Earth system, Mother Earth and the galactic heart. Embrace our light, heal us, absorb all that we are releasing. See this light flow through you as a pillar, cleansing you, healing you, rejuvenating you, releasing all that is not needed in your energy field, cleansing your aura and everything. And now, see yourself silent and completely relaxed. अपने आप को देखिए एकदम शांत और रिलैक्स स्टेट में. चलिए हम लोग अब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं. हमको एक बहुत ही सुंदर जगह जानी है आज. लेट अस नाउ वॉक डाउन. एंड एज वी वॉक डाउन वी सी अ ब्यूटीफुल लेक इन फ्रंट ऑफ अस. ये कौन सा लेक है? दिस इज द मानस सरोवर. द लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती हैज इनवाइटेड अस टुडे. हम मानस सरोवर के सामने आके खड़े हैं. अपने आप को देखिए वो ब्यूटीफुल मानस सरोवर लेक के सामने खड़े हुए और फील कीजिए उसकी एनर्जीज को आपके अंदर जाते हुए. विद एवरी ब्रेथ द ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ मानस सरोवर इज एंटरिंग योर एवरी बीइंग. एवरी पोर, एवरी पार्ट ऑफ यू इज फिलिंग विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ मानस सरोवर. प्रणाम कीजिए इस लेक को, बिकॉज इट होल्ड्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ क्लेंजिंग एंड प्यूरिफाइंग. एंड विद द परमिशन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती एंड द डिवाइन ट्रिनिटी, लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा, विष्णु, माँ पार्वती, लक्ष्मी एंड गॉडेस सरस्वती, लेट अस नाउ एंटर दिस मानस सरोवर. अपने आप को धीरे धीरे देखिए मानस सरोवर के अंदर जाते हुए
आज हम यहाँ पे तीन डुबकियां लगाएंगे, तीन डुबकियां जो हमारे लाइफ के हर उस चीज को हमारे से निकाल देगी जो हमारे लिए अच्छी नहीं है. लेट अस नाउ एंटर दिस ब्यूटिफुल लेक ऑफ मानस सरोवर, द लेक ऑफ लॉर्ड शिवा, जहाँ पे सब कुछ इतना शुद्ध है, इतना ब्यूटीफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. अपने आप को देखिए इस मानस सरोवर के अंदर जाते हुए. यू आर स्टेपिंग इनसाइड दिस मानस सरोवर एंड एज यू स्टेप इनसाइड एंड टेक योर फर्स्ट डिप, जैसे आप अपनी प्रथम डुबकी लगाते हैं, आपके अंदर से वो हर इमोशन जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपकी एंगर हो सकती है, वो आपकी क्रिटिसिज्म की टेंडेंसी हो सकती है, वो आपका फियर हो सकता है, वो आपका पेन हो सकता है, वो आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. जो भी इमोशन है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उस डुबकी के साथ देखिए बबल के रूप में वो निकल रही है आपके बॉडी से, और मानव सरोवर के लेक में वो ट्रांसफूट हो रही है इनटू लव एंड लाइट. विद दिस फर्स्ट डिप यू आर रिलीजिंग ऑल योर नेगेटिव इमोशंस व्हिच आर नॉट सर्विंग यू एंड व्हिच आर होल्डिंग यू बैक. लेट गो माय डियर फ्रेंड्स, लेट गो ऑल योर इमोशंस. जस्ट गिव द इंटेंशन दैट टुडे विद दिस डिप आई रिलीज माय एंगर, माय फियर, माय पेन, माय एक्सपेक्टेशंस, माय ऑल द फ्रस्ट्रेशंस, द गिल्ट, द शेम दैट आई होल्ड इनसाइड मी, द इनसिक्योरिटीज. लेट गो, लेट गो. सब कुछ को छोड़ दीजिए, आज उस मानव सरोवर के लेक में डुबकी के साथ छोड़ दीजिए. लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो. और आप इस डुबकी से जैसे ही ऊपर आते हैं, यू फील अ लॉट मोर लाइटर एंड इजियर. अपने आप को देखिए कितना कुछ जैसे आपके शरीर से निकल के बाहर चला आया है. अब हम दूसरी डुबकी लगाते हैं. इस डुबकी के साथ हमारे जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं अक्रॉस ऑल द लाइफ टाइम्स, अक्रॉस ऑल डायमेंशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, व्हिच आर नॉट अलाउइंग अस टू बी द डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस दैट वी आर, वो जो हर बिलीफ सिस्टम, वो हर थॉट पैटर्न, वो हर सोचने की ढंग, वो हर एक बिलीफ सिस्टम जो हमने अपने अंदर बना लिया है कि यही सही है, ऐसा ही होता है, वो हर बिलीफ सिस्टम को इस डुबकी के साथ मानव सरोवर में आज हम छोड़ते हैं. वो हर बिलीफ सिस्टम जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी ने हमारे अंदर डाला है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है, लड़कियां ऐसा नहीं बोल सकती है, वैसा नहीं सोच सकती है, अपने लाइफ में ये चीज नहीं कर सकती है, वो चीज नहीं बना सकती है, वो वीकर है, वो दे आर नॉट पावरफुल, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, ये सब बिलीफ सिस्टम्स को और जो भी आपके अंदर है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उस हर बिलीफ सिस्टम को आपके बॉडी से, आपके ऑरा से, आपके एनर्जी फील्ड से निकलते हुए देखिए बबल के रूप में. ये आपके बॉडी से निकल के मानव सरोवर के लेक में डिसअपीयर कर रही है. इज बीइंग ट्रांसम्यूटेड इनटू लव एंड लाइट. जस्ट सी योरसेल्फ रिलीजिंग, 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 माय डियर फ्रेंड्स, रिलीज, रिलीज, रिलीज ऑल दिस बिलीफ पैटर्न्स. इट नो लॉन्गर सर्व्स यू, यू नो लॉन्गर नीड टू होल्ड ऑन टू देम. Just release, just release, just release. Give the intention to release. Your intention is very powerful, my dear friends, very powerful. अब हम तीसरी डुबकी लगाते हैं इस मानस सरोवर के लेक में, और इस तीसरी डुबकी के साथ हम वो हर कर्मा को छोड़ते हैं. हम कार्मिक, we call on the divine karmic council, all the lords of karma, lords of time. और हम हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगते हैं, हमने जब भी अपने डिवाइन फेमिनाइन रूप को नकारा था और एक्सेप्ट नहीं कर किया था, इस रूप को डाउन किया था, कभी भी हमने जब भी किसी लाइफ में इस डिवाइन फेमिनाइन को डाउन किया था, हमारे वाइफ के रूप में, हमारी माँ के रूप में, हमारी बेटी के रूप में, हम मैस्कुलाइन रूप में आके जब भी हमने इस डिवाइन फेमिनाइन को डाउन किया था, उस हर कर्मा के लिए माफी मांगिए, छोड़िए. और जब भी हम इस डिवाइन फेमिनाइन रूप में भी आकर किसी और दूसरे डिवाइन फेमिनाइन को इंसल्ट किया था, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, सास के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, सोसाइटी के किसी शूद्र के रूप में, कभी भी किसी को हर्ट किया था, उनके डिवाइन फेमिनिटी को हर्ट किया था, वो सब कार्मिक इश्यूज के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगिए. और इस डुबकी के साथ
बोलिए माँ पार्वती को, बोलिए लॉर्ड शिवा को कि ये सारे कार्मिक इश्यूज को मेरे से निकाल दीजिए। आई एम वेरी मच सॉरी फॉर ऑल दैट आई डिड इन ऑल दोस पास्ट लाइव्स वेयर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिवाइन फेमिनाइन पावर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिवाइन फेमिनिटी। फॉरगिव मी फॉर ऑल दोस लाइफ टाइम्स व्हेन आई हर्ट अदर्स पुटिंग देम डाउन बिकॉज दे वर फीमेल्स। फॉरगिव मी फॉर ऑल दोस कार्मिक इश्यूज, रिमूव दोस कार्मिक टाइज फ्रॉम मी। बोलिए आज इस मानस सरोवर में हम सब कुछ पीछे छोड़ के आएंगे जो हमारे लिए आगे बढ़ने से रोक रही है। इम्प्लोर द गॉड्स एंड गॉडेसेस टू फॉरगिव यू, बिकॉज कभी कभी आपने इतना बड़ा काम किया, इतना नेगेटिव काम किया है, दूसरों को इतना हर्ट किया है। कभी कभी किसी लेडी को उनके फेमिनाइन पावर्स के लिए, उनकी दिव्य दृष्टि के लिए, उनके दिव्य पावर्स के लिए आपने मार डाला है, उनको अरेस्ट करके डंजन्स में डाल दिया है। आई कैन सी मेनी लाइफ टाइम्स ऑफ यू, मेनी ऑफ यू वेर यू हैव टॉर्चर्ड द फीमेल फॉर देयर पावर्स एज अ गॉडेस, फॉर हैविंग द थर्ड आई ओपन, फॉर हैविंग साइकिक पावर्स, फॉर हैविंग पावर्स ऑफ प्रोफेसी। आपने बहुतों को मारा है, बहुतों को टॉर्चर किया है। सबसे माफी मांगिए, सबसे माफी मांगिए, छोड़ दीजिए हर उस कार्मिक इशू को जो आप लेके आए हैं इस लाइफ टाइम में। माफी मांग लीजिए, तहे दिल से माफी मांगिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस से। बोलिए कि माफ कीजिए मेरे को, मैंने जो भी किया है अपने जाने अनजाने में, जहाँ पे मैंने डिवाइन फेमिनाइन को कहीं भी डाउन किया है, मेरे को माफ कर दीजिए। वो हर एक कार्मिक इश्यूज को आप इस मानव सरोवर के लेक में रिजॉल्व कर दीजिए, मेरे एनर्जी फील्ड से, मेरे सेलुलर मेमोरीज से, मेरे सेवन चक्रास से, मेरे 252 माइनस चक्रास से, सब जगह से रिलीज कर दीजिए। गिव मी ग्रेस ओ डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस, गिव मी ग्रेस सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, गिव मी ग्रेस। आस्क विद डिवाइन सब्जुकेशन, एकदम शांत होकर, एकदम नरम होकर माफी मांगिए। कहीं भी अपना ईगो को मत आने दीजिए, कहीं भी अपने स्ट्रेंथ मत शो कीजिए, बिकॉज देयर वर लाइफ टाइम्स वेयर वी डिड समथिंग व्हिच वाज नॉट गुड, व्हिच वाज नॉट करेक्ट, दैट इज व्हाई वी हैव सफर्ड आल्सो। माफी मांगिए। और इस बार जब आप चुपकी से उठते हैं, यू फील रेंस्ड एंड क्लेंस्ड, पावरफुल बियॉन्ड मेजर, बिकॉज यू हैव रिलीज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर नॉट सर्विंग यू। आप देखिए तट की तरफ, मानव सरोवर को देखिए, वो हर देवी जिनको आप पूजते हैं, वो हर देवी जिनको आप मानते हैं, वहां आपके पास खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको तट पे बुला रही हैं। धीरे धीरे मानव सरोवर से हम बाहर आते हैं और देखते हैं देवी पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, उनके सारे रूप, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गॉडेस आइसिस, मदर मैरी, मदर मैरी मैकडोनल, मदर गोल्डन तारा, मदर क्वानाइन, मदर ग्रीन तारा, मदर हैथोर, मदर सेकमेथ, जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हु आर वर्शिप, सब आए हैं और हमको लेके जा रहे हैं कैलाश की तरफ। हम सब उनके पीछे पीछे चलते हैं कैलाश की तरफ। कैलाश पे हम जैसे ही पहुंचते हैं, वो हमको बोलते हैं कि एक सर्कल में आप बैठ जाओ। हम एक सर्कुलर मोड में हम सब हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। वो हर देवी जिनको हम पूजते हैं, वो हर देवी जिनको हम मानते हैं, एवरी डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस दैट वी लव, दैट वी ऑनर, दैट वी रिस्पेक्ट, नाउ सराउंड अस इन अ सर्कल। वी आर सिटिंग ऑन द माउंट कैलाशा, शिवाज अबोड, एंड दे ऑल सराउंड अस। इवन लॉर्ड वासुकी इज देयर, मदर मून इज देयर, मदर गंगा इज देयर, मदर गोदावरी, नर्मदा, सब आए हैं हमारे साथ। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ गूज़बम्प्स, सो मच एनर्जी इज देयर, द डिवाइन फेमिनाइन, ऑल आर सराउंडिंग अस, ऑल आर सराउंडिंग अस, एंड वी आर सिटिंग इन अ सर्कल, एंड एज वी सिट इन दिस सर्कल, वी आर सिटिंग विद फोल्डेड हैंड्स, विद डीप ग्रेटिट्यूड इन आवर हार्ट्स।
because we have been invited on Mount Kailasha. Mount Kailash पर Lord Shiva और सारे gods and goddesses ने हमको invite किया है. हम जैसे वहां बैठते हैं, हम देखते हैं गणेशा को, कार्तिकेय को, अशोक सुंदर को, सबको देखते हैं. हमारे चारों तरफ नंदी नंदी, whose qualities each one of us should have, the qualities of deep devotion. चारों तरफ वो हमारे खड़े हैं. और अब वो सारी माताएं जिनको हम मानते हैं, all divine feminine goddesses form a beautiful circle around us, and each one of them goes into their real root. अपने original रूप में वो चले जाते हैं, उनके विराट रूप में चले जाते हैं, and they are goddesses with those multiple hands, multiple astra leke, वो खड़े हैं हमारे पास चारों तरफ in a circle, and each one of them is giving us her powers. Each one of them is surrendering to us, giving to us all her divine feminine powers. Accept them, my dear friends. Fold your hands. Be in gratitude. Be in love. Be in joy. And accept the divine grace that is showering on us. Dekhiye, maa ki wo har quality जो उनमें है, हर पावर जो उनमें है, हमारे अंदर वो डाल रही हैं. She is showering us with her love, with her powers, all powers of writing, of speaking, of sewing, of cooking, of being Ma Annapurna, of singing, of dancing. It's so beautiful. She's giving us the power to protect ourselves and our children. She's giving us the power of Maa Durga, Maa Kali. She's giving us divine knowledge. She's giving us freedom from all the silly things that hold us on earth. वो सारी चीज जो हमको यहाँ पे बांध के रखती है, माँ आज वो सबसे हमको मुक्ति दिला रही. She is giving us the knowledge. वो हमको ब्लेस कर रही है विद द कुंडलिनी शक्ति, द राइजिंग ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन इन अस. फील द कुंडलिनी एरिया ऑफ योर बॉडी अवेकन. Feel her energies. Feel every goddess giving you her power. The power of discernment, the power of toleration, the power of acceptance, the power of diminishing and subjugating the evil forces. सब पावर्स माँ आपके अंदर दे रही है, हर माँ जो खड़ी है हमारे चारों तरफ. गॉडेस आइसिस इज गिविंग अस द पावर्स ऑफ म्यूजिक व्हिच कैन बिल्ड पिरामिड्स. इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल. जस्ट रिसीव माय डियर फ्रेंड्स. डू नॉट थिंक दैट आई डू नॉट डिजर्व इट. ओपन अप योर हार्ट्स, ओपन अप योर सोल. And just receive this divine gifts. See them coming inside your heart chakra and integrating into your energy field. You are a divine goddess. You are a divine goddess. You are a divine goddess. अपने देवी रूप को पहचानिए, अपने देवी रूप को समझिए, उसके पावर्स को समझिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए. क्योंकि देवी होना कोई इजी बात नहीं है. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. हमको कैसे आगे बढ़ना है, हमको कैसे आगे दूसरों को भी लेके जाना है. एक डिवाइन गॉडेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तक खत्म नहीं होती है, उसको अपने चारों तरफ कुछ चेंज करना पड़ता है, सबको आगे लेके जाना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है उनके अंदर बैठी हुई डिविनिटी को. Breathe in this divine energies. Breathe in this divine powers.
Breathe in this divine responsibility, my dear friends. Integrate these energies inside your divine being. अपने आप को विकसित होते देखिए. See all the petals of all the lotuses inside you. Open up. आपके सात चक्र खुले हुए हैं. Beautiful lotuses in each of your chakras. And it is being showered and covered with the beautiful gifts from the mothers. तहे दिल से सबको धन्यवाद कीजिए. जो भी आपके साथ है, आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवता, आपके ग्रुप, आपके टीम ऑफ लाइट, सबको धन्यवाद कीजिए. थैंक द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर्स, क्रिएटर एनर्जी, द फादर गॉड, द मदर गॉड, द डिवाइन यूनिकॉर्न्स, ड्रैगन्स, फेरीज, मर्मेड्स, डॉल्फिन्स, जो सब आए थे आपकी एनर्जी फील्ड को क्लीन करने के लिए, सबको धन्यवाद दीजिए. अपने अंदर के देवी को जगाइए और अपने आप को देखिए अपने कमरे में वापस अपने देवी रूप में. Breathe in into your heart center and integrate the energies, my dear friends. Breathe in and breathe out and feel the weapons of the goddesses, the powers of the goddesses, the qualities of the goddesses integrate inside you. Feel yourself glow with her divine powers, her divine knowledge, her divine self. अपने आप को संपूर्ण रूप से देवी रूप में देखिए. अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को मानिए. और जब भी आपको ठीक लगे, you can now come back to yourself and accepting your divinity. If you have anything to share, anything to ask, you're welcome, my dear friends. You're welcome. Thank you so much for being on this beautiful journey with me. Thank you, thank you, thank you.